जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो टॉपिक है इतिहास हिस्ट्री से आज हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ये जितने सारे प्रश्न लिए हैं वह क्लास 5, 6, 7 और 8 के प्रश्न हैं। तो ये जो आज के क्लास होने वाली है ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को सेट किया गया है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितनी सारी क्लासें होती है वहाँ पर सारी क्लास की पीडीएफ मिलती रहती है। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अपना पहला नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। याद करना होगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न दूसरा। यहाँ पे जो दो नंबर प्रश्न है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज जो है किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही होगा, तुर्की को, तुर्की जो देश है इस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो साथियों तुर्की की राजधानी अंकारा है। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या जो तीसरा है। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, मतलब जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बिल्कुल सही होगा, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कब याद करना होगा, तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्नों को देखिए, चौथा प्रश्न पे। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, 1707 में, 1707 ईस्वी में एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है इस वर्ष पारित किया गया था 1707 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रश्न जो 5 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति जिसको NEP के नाम से जानते हैं, इसका जन्मदाता जो है कौन थे, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे। तो यहाँ पे होना चाहिए कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, यह बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे कि नई आर्थिक नीति के जो जन्मदाता थे वह थे लेनिन। कौन थे साथियों, तो लेनिन जरूर याद करना होगा। इसके बाद देखिए आगे जो आते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे जो प्रश्न 7 है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स होना चाहिए, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी ही बिल्कुल सही होगा, अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए लेनिन होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे सही लिखा लेनिन होना चाहिए। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब करी थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। 9 जो प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, ट्रॉट्स्की जो है इन्होंने लाल सेना का गठन किया था। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 10 नंबर प्रश्न।
यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यह बिल्कुल सही होगा, मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। किसने की थी? तो मेकाले ने, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 जो प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, मतलब राजा राम मोहन राय के जो है इसमें से कौन सा सरोकार नहीं था, उनके द्वारा नहीं किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही रहा, संस्कृति की शिक्षा में वे जो थे सरोकार नहीं थे, कौन? राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 12 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल जो है उत्तरदायी था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके लिए जो कौन सा जो जनरल था वह उत्तरदायी था, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है राइट ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन, जनरल डायर जो थे ये जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 18 अप्रैल 1919 में, तो उसके लिए जो सबसे उत्तरदायी थे जनरल डायर थे। ओके, अगला देखिए प्रश्न 13 जो प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, जब मैसूर का युद्ध हुआ था तो वह किसके बीच लड़ा गया था, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन हो रहा है ये राइट आंसर जो होगा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच जो हुआ था वह मैसूर के बीच, मैसूर युद्ध जो है इनके दो शासकों के बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 14 प्रश्न जो है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किस शासक ने लगाया था, मतलब किसने लगाया था, तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाले जो शासक थे उनका जो नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। ओके, यहाँ पे जो अगला देखिए प्रश्न 15 है कि किस वर्ष में म्यांमार जो है भारत वर्ष से अलग हो गया था, मतलब एक म्यांमार देश है जो भारत से अलग किस वर्ष में हुआ था, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1937 में अलग हो गया था। कब हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था। 16 जो प्रश्न है कि कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है, वह कौन सा जो प्रदेश है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे ए ऑप्शन, यह बिल्कुल सही हो रहा, असम जो है, असम जो राज्य है ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब जो सटे हुए राज्य हैं जो म्यांमार के सीमा के साथ जो अपनी जो सीमा है उसको साझा करते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17 जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से तुषारी जो लोग हैं कौन कहे जाते हैं, तुषारी जो लोग हैं ये कौन कहे जाते हैं, मतलब किसे कहा जाता है, तो तुषारी जो है कुषाण को कहा जाता है, याद करना होगा तुषारी किसको कहा जाता है, तो तुषारी कुषाण को कहा जाता है। क्लियर है, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 18 जो प्रश्न है कि वाज सनेई किस वेद से संबंधित थे, वाज सनेई जो थे किस वेद से संबंधित थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यजुर्वेद से संबंधित है, कौन से वेद से संबंधित थे, तो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, यह बिल्कुल सही हो रहा, आरसी दंश मतलब इनका पूरा नाम क्या है, रोमेश चंद्र दंत, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम रोमेश चंद्र दंत है। ओके, रोमेश चंद्र दंत ये जो है एक पुस्तक की रचना किए थे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस चीज को याद कीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इनकी क्या है, पुस्तक है, किनकी, तो रमेश चंद्र दंत की, किनकी पुस्तक है दोस्तों, तो रमेश चंद्र दंत की पुस्तक है। अगला प्रश्न है देखिए 20 जो प्रश्न है
कि शक सनमत जो है इसकी एसपी कितने पीछे थी, जो शक सनमत की जो एसपी है कितने पीछे थी, तो 78 साल पीछे थी। कब कितने पीछे थी, कितने साल, तो 78 साल पीछे थी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे जो 21 प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहयोग किया था। जब बिंदुसार की मृत्यु हो गया था, एक शासक था, तो अशोक को राज्य प्राप्त करने में उस कौन सा शासक जो था, मतलब कौन उसका सहयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, राधागुप्त। राधागुप्त जो था ये अशोक को राज्य प्राप्त करने में सहयोग किया था, क्योंकि जो राधागुप्त जो था ये चाणक्य का शिष्य और बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। ओके, कौन, तो राधागुप्त। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 22 जो प्रश्न है कि केनोपनिषद किससे संबंधित है। केनोपनिषद जो है ये किससे संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। केनो का मतलब होता है किसके द्वारा, केनो का जो मतलब होता है ये होता है किसके द्वारा, इसका जो है अर्थ होता है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि तंजावुर में बृदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजावुर जो है यहाँ पे बृदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, राजा राम चोल प्रथम। जो राजा राम चोल प्रथम थे, इन्होंने बृदेश्वर मंदिर का जो निर्माण था यह तंजावुर में कराए थे। ठीक है, बृदेश्वर मंदिर का निर्माण, क्योंकि दुनिया का पहला जो ये मंदिर था ग्रेनाइट से बना हुआ था, और ये कितना ऊंचा है, तो 210 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 210 मीटर ऊंचा है, और ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में से ये बृदेश्वर मंदिर जो है माना जाता है। ओके, अगला जो प्रश्न है 24 प्रश्न है कि तंजौर, अनिहलवाड़, धार और कनौज क्रमशः निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तंजौर हो गया, ये सब बताना है कि कौन से, यहाँ पे तंजौर, अनिहलवाड़, धार, कनौज, इसकी राजधानी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रही है, तंजौर की राजधानी चोल हो जाएगी, अनिहलवाड़ की राजधानी सोलांकी हो जाएगी, धार का परमार और कनौज का प्रतिहार, ये जो सब जो है इस वंश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए 25 प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जांत्रिक जो है, यहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था, क्षत्रिय गोत्र का नाम बोला है, तो क्षत्रिय गोत्र का जो नाम हो जाएगा जांत्रिक हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए 26 प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था, मतलब महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता जो थी त्रिशाला थी। अब राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन बी सही हो रहा है, त्रिशाला। महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता त्रिशाला थी। अगला प्रश्न जो है 27, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है कौन सा है, नालंदा का, वैशाली का। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे विश्वविद्यालय होगा वैशाली विश्वविद्यालय। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है जो पूरा विश्व का है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो हम लोग का बिहार का है, और प्राचीनतम का बात आ गया है तो वह हो गया वैशाली विश्वविद्यालय। क्लियर है। 28 जो प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। याद करना होगा महावीर जी का जो प्रथम शिष्य था कौन था, जमाली था। ओके, 29 नंबर जो प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। राइट आंसर जो बी हो रहा है यह बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। 30 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग है ये भारत पर आक्रमण जो था कब किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है सी, ये बिल्कुल से 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, अगला देखिए साथियों प्रश्न आते हैं 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि लोधी वंश का
संस्थापक जो था कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही होगा, बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ओके, 32 प्रश्न है कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था? तो यामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 33 जो प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जो थे शून्य की खोज किए थे। राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। अगला जो प्रश्न है 34 की, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या जो है अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन सी विद्या जो है अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है कौशाम्बी, यहाँ पे जो है विद्या ग्रहण नहीं किया गया था, मतलब यहाँ पे ये केंद्र नहीं था यहाँ पे जो है विद्या प्राप्त की जा सके। अगला प्रश्न देखिए 35 प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो रहा है। मेघा अस्थनी जो थे इन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था और वास्को डी गामा भारत आए थे, खोज किया था उस समय। ओके, 36 प्रश्न देखिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हर्षवर्धन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ओके, 37 प्रश्न है कि हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया था? तो प्रयाग में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? तो प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न है 38 प्रश्न है कि मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हुंडो से था। मिहिर कुल का संबंध हुंडो से था। ओके, अगला प्रश्न देखिए 39 जो प्रश्न है कि बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट जो थे किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 40 जो प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। कौन से काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। 41 प्रश्नों को देखिए, 41 प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे सी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है गुप्तकालीन शासक मतलब कविराज के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 जो है, गुप्त राजवंश जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य, कला एवं जो स्थापत्य है इसके लिए जो था गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। 43 प्रश्न है कि मुजरिस जो था किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो चेर का प्रमुख बंदरगाह है। किसका प्रमुख बंदरगाह था? बंदरगाह था तो चेर का। ओके, 44 प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आपको जरूर पता होगा, श्रीगुप्त था भैया। कौन से था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और 45 प्रश्नों को देखिए जो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी, जो सरकारी न्यायालय का, वहां पे कौन सी भाषा थी गुप्त शासकों की पहले की? तो राइट आंसर यहाँ पे बी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, संस्कृत थी। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी कौन थी? तो संस्कृत थी। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्लास जो है आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्न लिए थे 45। तो सभी साथियों को यहाँ पे आप लोग जुड़े हैं, आप लोग इस वीडियो को देखें तो सभी को थैंक यू। आप लोग इस क्लास को व्हाट्सअप फेसबुक सभी जगह यहाँ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद सभी साथियों का।